कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, गृह मंत्री और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, राजस्थान सरकार के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर आदरणीय मांगीलाल जी गरासिया जी, विधायक बसंती देवी जी, हमारे आदरणीय ओपी मीना साहब एससीएस मल्होत्रा साहब, मंच पर आसीन हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सम्मानित डायरेक्टर साहब और अन्य हमारे बुजुर्गों, कमिश्नर साहब, मंजीत सिंह जी साहब, हमारे कलेक्टर साहब और बाहर से पधारे हुए हमारे सभी अतिथि मेहमान, प्रबुद्ध हमारे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों और पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सभी सहभागी जी, साथियों, बहनों, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मल्होत्रा जी ने विस्तार से आपको बताई दिया और आप स्वयं भी जानते हैं कि आईटी का युग है और टेक्नोलॉजी का क्या इस युग में क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। एक समय था जब मैनुअल हम काम करते थे हर क्षेत्र में, तो हमारी गति, क्वालिटी, प्रशासन की हर दृष्टि से क्वालिटी और आज के युग में जो स्पीड है, काम करने की गति है, वो निश्चित तौर पे रात दिन का फर्क हो गया है। आज चाहे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ले लें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ले लें, एजुकेशन सेक्टर में ले लें, कोऑपरेटिव सेक्टर में ले लें, आईटी का उपयोग जहाँ जहाँ होने लगा है, वर्क की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बेहतर हुई है और विकास की संभावनाएं निश्चित तौर पे बढ़ी हैं। हम सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एजुकेशन कम है और टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कम हुआ है, वहाँ प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। लोगों में नित प्रतिदिन जो काम होते हैं उनमें काम करने की आदत डालने की आवश्यकता है, उनका इंटरेस्ट इस ओर बढ़ाने की आवश्यकता है, नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में निश्चित तौर पर आएगा। अभी निश्चित तौर पर मल्होत्रा जी ने जो हमारे इस ज़िले से नया काम शुरू करने के लिए कही है, कोई भी सर्टिफाई कॉपी कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। निश्चित तौर पे हम सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकार का आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और इसका लाभ बहुत अधिक लोगों को मिले ऐसा हम सब प्रयास करें। मैं इस अवसर पर दो दिन तक ये कार्यशाला रहेगी, इसमें बाहर से जितने भी संभागी आए हैं, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो सभी दो दिन तक बहुत ही समय का अच्छा उपयोग करते हुए और इस समिट का, इस कार्यशाला का निश्चित तौर पे सार्थकता साबित करें ऐसा मुझे भरोसा है। मल्होत्रा जी ने जैसा कहा, मैं गुजरात चुनाव में था और कोई और रघुवीर मीणा बोल गया और बड़ा मुस्कुरा के कह दिया हाँ हाँ आऊँगा, और फिर आज इनको कहा कि मैं तो वो नहीं था, वो एमपी नहीं हूँ, दूसरा रघुवीर मीणा हूँ, तो उन्होंने तत्काल मुझे आमंत्रित किया और मैं आ भी पाया आपके बीच में। निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली हूँ और आपका विशेष आभार कि आपने दुरुस्त करके वापस सूचना करेक्ट करके मुझे दी और मैं आपके बीच में हाजिर हो पाया। और राज्य के मंत्री हैं, उनका भी निश्चित तौर पर स्वागत करता हूँ कि आपके यहाँ आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ी है और इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर सीएम साहब हमारे बीच में होने थे, परंतु सीएम साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से अचानक उनका मैसेज आया कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, आप लोग कार्यक्रम में जाके और हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं दें और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना कहें, तो निश्चित तौर पर मैं उनकी तरफ से भी, वैसे तो हमारे गृह राज्य मंत्री जी हैं वो कहेंगे, पर मैं यहाँ का सांसद होने के नाते भी आप सबका धन्यवाद भी अदा करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कि ये कार्यक्रम या कार्यशाला यहाँ
आयोजित करके और हमारे क्षेत्र को इसका बेनिफिट दिलाने की बात कही है और निश्चित तौर पर इसका फायदा मिलेगा और आने वाले क्षेत्र में आने वाले समय में हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः इस कार्यशाला के सफलता की कामना करता हुआ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।